नमस्ते नमस्ते, मैं शेतांगी श्रीवास्तव। आज जो है वो मैं आपको गार्डनिंग के अंतर्गत आपको जो रोज प्लांट है उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि अब जो है अभी आने वाला जो सीजन है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, इसमें जो है रोज जो है बहुत ज्यादा आपको के फ्लावर्स आपको मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत कलर्स के मिलेंगे। तो जो रोज प्लांट की केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम उसको उसकी केयर करनी पड़ेगी। अब जो है उसका सीजन आने वाला है, विंटर में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा नंबर्स में आपके फ्लावर्स जो है वो डेवलप करते हैं। तो आज जो है वो हम आपको बताएंगे कि रोज जो है क्या जो प्लांट है हमारा उसकी हमें केयर कैसे करनी है। रोज बहुत वैरायटी के आते हैं, बहुत से कलर्स के आते हैं, बहुत सी उनकी वैरायटी होने की वजह से उनकी जो केयर है वो भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। तो आज जो है हम इसी बात को लेके अपनी क्लास को लाइव कर रहे हैं, जिससे कि आपको जो हमारा रोज प्लांट है, आपका जो रोज प्लांट है उसको हम कैसे केयर करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। एक तो जो रोज प्लांट आपका यदि पॉट में लगा हुआ है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ में जो आपके गार्डन में मतलब सॉइल में डायरेक्ट जमीन में लगा हुआ है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर हम चल रहे हैं, आज हम रोज प्लांट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा रोज प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आपने देखा होगा जैसे ही बरसात का मौसम निकलता है, थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तो इसमें अपने आप एक रेड कलर की पत्तियां जो है आनी शुरू होती हैं। धीरे 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 वो रेड कलर की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर में डेवलप हो जाती हैं। वैसे उसकी जब शुरुआत होती है, जब छोटे छोटे से होते हैं, तो देख सकते हैं आप ये रेड कलर के होते हैं, पत्तियां जो होती हैं वो रेड कलर से निकलना शुरू होती हैं। अभी बरसात का मौसम था तो हमारा जो रोज प्लांट है वो स्लीपिंग मोड में था, तो अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो इसलिए रोज प्लांट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉट की। जो जिसमें आपने जिस पॉट में आपने प्लांट लगाया है यदि वो सीमेंटेड है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि प्लास्टिक में भी लगाया है तो वो भी गुड है। मगर मेरा मानना यह है कि इसको आप यदि आप रोज जो है रोज प्लांट जो है वो आप डायरेक्ट नीचे जमीन पे लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। मगर आजकल बहुतों के पास गार्डन नहीं होता है, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे कि इसको जिस भी पॉट में आप लगाएं वो प्लांट से दो गुना होना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो बहुत ज्यादा अंदर से फैली हुई होती है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है हमारा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से बड़े पॉट में आप जितना बड़ा आपका प्लांट है उसका जस्ट डबल पॉट ले लीजिए और उसी में आप जो है अपने रोज प्लांट को लगाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा, यदि आप पॉट प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, सीमेंटेड यूज कर रहे हैं या मटका यूज कर रहे हैं, तो उसका सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसका जो पानी निकलने का मार्ग है वो एकदम ठीक होना चाहिए, वरना पानी जड़ों में बैठ जाएगा और हमारे प्लांट रोज प्लांट की जड़ें जो है वो सड़ना शुरू हो जाएंगी। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो हम जब भी पॉट लेंगे, चाहे वो सीमेंटेड हो, प्लास्टिक हो या फिर मटका हो, आप उसमें होल करना, अच्छे से 5-6 होल कीजिए और उसमें प्रॉपर जो है आप कोई कंकड़ लगाइए या फिर आप बोरे का कपड़ा भी उसके नीचे बिछा सकते हैं, जिससे कि मट्टी निकल के पानी के साथ बहेगी नहीं और पानी जो है वो नीचे से धीरे से वो निकल के बाहर आपके पॉट से बाहर चला जाएगा और मट्टी जो है वो एकदम सूखी हुई नजर आएगी। ठीक है, तो एक तो ये बात हमें बहुत ज्यादा हर प्लांट में ही ध्यान देनी चाहिए, और पॉट जो है वो हमेशा ऐसा रखिए कि वो भी जल्दी सूख जाए, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करे और जिसकी वजह से ज्यादा पानी होने की वजह से जड़ें खराब ना हो, हमें इसका भी ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि जब भी हम इसमें गार्डन सॉइल में लगा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, उसमें हमें सिर्फ आपको फर्टिलाइजर मिलाने की जरूरत है, तो उसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ जो है गार्डन में प्रॉपर तरीके से मिलता रहता है, पानी मॉर्निंग में या इवनिंग में एक टाइम आप दे सकते हैं। मगर जब पॉट है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम सॉइल तैयार करेंगे तो इसमें 25% हम कोकोपीट या फिर रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड इसमें जरूर मिलाएंगे, जिससे दो काम होता है, एक तो मट्टी जो है वो भुरभुरी होती जाती है और जो उसकी वजह से पानी नहीं रुकता है, वो प्रॉपर एक जो रास्ता है उसके थ्रू वो बाहर चला जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा यदि आपने इसमें रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड या कोकोपीट आपने मिलाई हो तो। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, सॉइल बनाते समय इसमें हमें गार्डन सॉइल 25% हमें इसमें रिवर सैंड,
और उसके बाद 25% है फर्टिलाइजर और 25% हम इसमें जो है नॉर्मल जो मिट्टी हमें यदि हमें गार्डन से ली है तो वो अच्छी है, और यदि नहीं आप कहीं नदी के किनारे से ला रहे हैं मिट्टी तो आप उसमें जरूर से उसमें कोकोपीट भी मिला लें। हम इसमें जो है पेस्टिसाइड्स भी मिलाते हैं जब हम सॉइल बनाते हैं, तो अभी हम सॉइल बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे, उनको प्रॉपर मिला के फिर हम इसको इसमें प्लांट को लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सॉइल की वजह से ही हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक, तो अब जो है हमने पॉट की बात कर ली है और सॉइल की बात कर ली है। प्लांट प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नर्सरी से यदि आप रोज प्लांट ला रहे हैं तो पहले तो नर्सरी से लाने के बाद उसको कम से कम 3 दिन आप उसी ग्रो बैग में लगे रहने दें, उसको प्रॉपर एक जगह पे रख लें जिससे कि वो आपके घर के एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। क्योंकि क्योंकि हम जहाँ नर्सरी से लाते हैं प्लांट को तो वहाँ के हमने आपने देखा होगा कि वहाँ का टैप वाटर जो है वो अलग पीएच का होता है, हमारे यहाँ का अलग पीएच का होता है। तो घर में जब हम लाते हैं तो उसको पानी और एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट होने में प्लांट को 3 से 4 दिन लगते हैं। तो आप क्या करें, जब भी आप नर्सरी से इस प्लांट रोज प्लांट को लाएं तो उसको ग्रो बैग में लगा हुआ होता है वो ब्लैक कलर के, तो आप उसी में लगे रहने दीजिए, उसको तुरंत शिफ्ट मत कीजिए पॉट में। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और आप कभी कभी आपने देखा होगा कि हम नर्सरी से लेके आते हैं प्लांट को, ये तो एक दिन में ही हम उसको यदि ट्रांसफर कर देते हैं पॉट में तो वो मर जाता है, कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है क्योंकि वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आसपास के वातावरण के साथ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 दिन आप कम से कम 3 दिन के बाद ही आप उसको प्लांट को जो है पॉट में ट्रांसफर करें, उससे पहले आप उसको ट्रांसफर ना करें। यदि आप उस रोज को कटिंग से लगा रहे हैं तो कटिंग पे लगाने के लिए उसको सीधे पॉट में ना लगा के आप उसको ग्रो बैग में ही लगाएं, जिससे कि कम एरिया होने की वजह से उसको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वरना आपने यदि इसको बड़े पॉट में लगा दिया है कटिंग को तो वो बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम उसमें वो लगेगा भी नहीं, और दूसरा यदि लग भी गया तो वो बाद तक आपको जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस रोज की कटिंग लगाएं तो हमेशा उसको ऐसे छोटे पॉट में लगाएं या छोटे ग्रो बैग में लगाएं जिसमें कि बहुत ही आसानी से उसकी केयर हो सके। अभी हम बात करते हैं इसमें लाइट की। सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए, तो हमें क्या करना है कि जब भी इसको आप तो जहां भी रखें, यदि आप शेड में भी रख रहे हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि 2 से 3 घंटे की धूप सूर्य की इसको मिले, जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से होती रहे। यदि आप देखें इसको शेड में रखते हैं तो इसकी पत्तियां जो है वो पीली होने लगती हैं, तो इसलिए आप इसको इतना करें कि एक दिन में दिन भर में इसको जो है 2 से 3 घंटे की मॉर्निंग की धूप लगे, जिससे कि इसका जो अंदर का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो जो चलता है प्लांट्स में वो नॉर्मल तरीके से होता है। ओके, तो अभी हमने बात की यहाँ पे कि हम पॉट कॉन्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, सॉइल कैसे बनाएंगे, प्लांट को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, कब करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर हम सनलाइट की बात कर रहे थे। सनलाइट जो है वो 2 से 3 घंटे की इनफ है इन प्लांट्स के लिए, तो आप मॉर्निंग की जो है मॉर्निंग मतलब 7 से लेके 12 तक में आप इसको अच्छे से धूप दिखा सकते हैं, और जहां यदि ये शेड में रहते हैं तो थोड़े दिनों में 1-2 दिन के बाद आप इनको अच्छे से सनलाइट दिखा सकते हैं, जिससे कि इनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है। अब हम बात करते हैं इसमें कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हर प्लांट जो है उसकी कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो उसका जो उसकी जो ग्रोथ है वो आपने देखा होगा। कहते हैं हमारे रोज के प्लांट में कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो अक्टूबर में लोग उस समय जो है आपने देखा होगा कि कटिंग करके नए प्लांट्स उस कटिंग से बनाते हैं, तो कटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रोज प्लांट के लिए, क्योंकि जितनी आप कटिंग करेंगे फ्लावर्स के नंबर जो है वो उतने ही ज्यादा होंगे। तो कटिंग 2 तरीके की होती है, एक तो सॉफ्ट कटिंग और दूसरी हार्ड कटिंग। तो जब हम अक्टूबर और नवंबर में कटिंग करते हैं तो वो होती है हार्ड कटिंग, जैसे कि हम एक एक्स्ट्रा जो ब्रांच होती है हम उसको ही वहां प्लांट से अलग कर देते हैं, जो बेकार होती है, जो हमारे किसी काम की नहीं लगती है, तो इस तरीके से हम उसको हार्ड कटिंग कहते हैं, उस ब्रांच को ही हम अलग कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो नीचे से एकदम घना होता जाए। तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे से ब्रांचेस जो है यहाँ पे लीव्स नहीं है एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं, तो हम उनको कट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये जो है हम इसको कट कर देंगे, जिससे कि नीचे जो उसकी नॉट है उस पर अच्छे से
उसमें जो नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप इनको कट कर सकते हैं। इससे एक चीज और भी होती है कि नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका जो प्लांट है वो बहुत ही घना हो जाता है, और नई नई ब्रांचेस निकलने से वहां पे फ्लावर्स जो है बहुत ज्यादा अच्छे से निकलते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस तरीके से छोटी छोटी सी ब्रांचेस जो है इसमें से काट देते हैं। जो छोटी छोटी और ऊपर की हम ब्रांचेस काटते हैं वो होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग में क्या करते हैं, छोटे छोटे जो ब्रांचेस होती हैं जो बहुत ही ज्यादा डल हो चुकी होती हैं, तो उनको हम निकाल काट करके निकाल देते हैं, या फिर ड्राई जो है वो जैसे डेथ जो हमारे पत्तियां होती हैं, जो हमारे ब्रांचेस होते हैं उनको हम कट कर देते हैं। फ्लावर्स जो है यदि टूट गए हैं उसी के ऊपर तो हम इसको भी कट करके हटा देते हैं। तो ये सब हमारे जो है ये सॉफ्ट प्रूनिंग में आते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग आप एक महीने में एक बार कर सकते हैं अच्छे से, मगर जो हार्ड प्रूनिंग है वो हम अक्टूबर में ही करते हैं, अक्टूबर नवंबर में, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक ये बहुत ही अच्छे से हमारे रोज को मतलब फूल जो है वो काफी अच्छे से डेवलप होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर्स में ये फ्लावर्स इसमें आते हैं। आपने देखा होगा कि जो रोज की प्रदर्शनी लगती है बहुत जगह हमारे हमारे एरिया में भी होता है कि हम लोग जनवरी में एक रोज का पूरा यहाँ पे गार्डन है वहां पे हम जाते हैं, वहां प्रदर्शनी लगती है वैरायटी के, बहुत तरह तरह के वैरायटी के जो हमारे गार्डन में बहुत ढेर सारे वैरायटी के रोज आपको दिखाई देंगे। तो गुलाब जो है वो सबसे खूबसूरत फूल लगता है, फूलों में सबसे अच्छा जो है वो गुलाब होता है, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा होती है। गुलाब का जो फूल है वो सूखने मुरझाने के बाद भी हमारे लिए यूज में आता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हमारे गार्डन में गुलाब का एक दो प्लांट तो होना ही चाहिए। तो अभी हम ज्यादातर ऐसा होता है देसी गुलाब रखते हैं, कुछ जो है बहुत से कलरफुल गुलाब जो विदेशों से आते हैं हम उनको भी लगाते हैं, तो उनकी केयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली प्लांट होते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत ज्यादा केयर मांगते हैं। तो अभी जो है वो हमने आपको बता दिया कि पॉट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सॉयल जो है वो आप कैसे डेवलप करेंगे अपने आप अपने घर पे ही प्लांट लगाने के लिए, यदि आप पॉट में लगा रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है तो वो हमने आपको बताया है, साथ में सनलाइट कितनी और कब देनी है ये भी हमने आपको बता दिया, और फिर हमने आपको कटिंग बता दी, कटिंग कैसे करनी है कब करनी है, और हमने ये भी बताया आपको कि कटिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि कटिंग से ही फ्लावर्स के नंबर्स बढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इससे कि हमारे जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा। सबसे जरूरी बात, यदि आपका प्लांट बहुत पुराना हो गया है तो सब उसकी रीपॉटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट। रीपॉटिंग इसका हम एक अलग से आप हमारे वीडियो आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग करना हम आपको जरूर बता देंगे, और यदि आप कहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं चैट पे, जिसमें कि हम आपको रिपोर्टिंग के बारे में बताएंगे रिपोर्टिंग क्या होती है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, तो हम इसकी भी लाइव क्लास आपसे आपके साथ जुड़े रहेंगे इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो अभी जो है हम आपको बता रहे हैं कि रोज जो है उसके लिए हमें क्या क्या केयर करनी है। तो यदि आपने कटिंग की है तो उसमें आपको क्या करना है, एक बार सॉइल की गुड़ाई भी करनी है। तो हम जो ये हमारा जो ये पॉट है इसमें हम मिट्टी को ऊपर से नीचे करेंगे, जिससे कि मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत ही हाई हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी टूल से आप इसको इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने के लिए आप नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी जो है वो उसको नीचे कर देंगे, जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाने की वजह से इसमें ऑक्सीजन लेवल मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल इक्वल हो जाएगा और जड़ों में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचेगी। हम जब भी इसमें गुड़ाई करें तो हम ये ध्यान रखें कि हम इसकी वजह से हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं वो डैमेज ना हो ना, तो वो डैमेज हो जाएंगी तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि डैमेज हो जाने की वजह से प्लांट जो है वो हमारा सूख जाएगा, इसलिए हमने इसकी गुड़ाई कर दी है। इसमें गुड़ाई के समय गुड़ाई हमेशा आपको हफ्ते में एक बार करनी है, इससे ज्यादा गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। गुड़ाई के समय मिट्टी में यदि कोई भी बीज निकल आई है तो आप उसको हटा दें, घास हो पत्ती हो या फिर कुछ कचरा इसमें गिर गया हो तो उसको हटा के एकदम क्लीन कर दें, मिट्टी को ऊपर से ये एकदम फ्रेश दिखाई देगी। तो ये जो है गुड़ाई करते समय इस चीज का ध्यान रखें, और इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि फर्टिलाइजर हमें क्या डालना है।
क्योंकि प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है ये रोज मिक्सचर मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आप जो है ये आप इस तरीके से, ये बहुत ही कम कॉस्ट का है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये जो है देसी, मतलब कि जो जो रेड कलर के गुलाब आते हैं ये उसके लिए भी है और कलरफुल गुलाब के लिए भी है। तो इसमें इन्होंने जो है बहुत सी चीजें इसमें मिक्स कर दी हैं एक साथ ही। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें हम एक चम्मच के करीब ये मिक्सचर जो है ये हम इसमें डालेंगे, एक चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे। और ये फर्टिलाइजर जो है ये बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसमें बोन डस्ट है, इसमें सीवीट है, और साथ में इन्होंने इसमें थोड़ा सा यूरिया बहुत ही कम मात्रा में मिलाया है। तो ये हम यूज कर सकते हैं। आप इसको महीने में एक बार डाल सकते हैं। यदि ये सूखा पाउडर है तो आप इसको इसी तरीके से आधा एक चम्मच जो है वो हम इतने बड़े पॉट में डालेंगे। यदि आपका पॉट छोटा है तो उसमें आप आधा चम्मच डालेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इस पाउडर को डालिए तो हमेशा जड़ से थोड़ा दूर पे डालिए, ठीक है। जैसे कि मैंने डाला है, जड़ के थोड़ा किनारे से डाला है। और उसके बाद जो है हम इसमें, ये है नीम की खली जो कि मिट्टी में मिलने के बाद ये बचाएगी इंसेक्ट से। अभी बरसात हो रही है बहुत ज्यादा, जो है वो बहुत ज्यादा इस समय कीड़े हो रहे हैं मट्टी में, तो उसमें उसमें ना जो दिक्कत आती है, इंसेक्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं मट्टी में। आपने देखे होंगे छोटे छोटे सफेद रंग के, तो उसमें उससे बचाने के लिए जड़ों को हम ये जो है नीम की खली डालते हैं। ये भी बहुत ज्यादा मार्केट में इजिली मिल जाती है, बहुत ज्यादा नंबर्स में आपको हर एक उसके शॉप पे ही मिल जाएगी ये। तो इस तरीके से ये बनी हुई मिलती है। तो हम इसमें 2 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये पॉट हमारा बड़ा है। तो मैं इसमें डाल के इसमें दोनों चीजों का वो मिक्स कर दूंगी, जिससे कि ये मिट्टी में नीचे तक चले जाए। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये पूरे नीचे जड़ों तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नीचे की जड़ों तक एब्जॉर्ब होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। और इसको मिलाने के बाद पानी हम तुरंत नहीं डालेंगे। जब भी आप फर्टिलाइजर डालें या पेस्टिसाइड डालें प्लांट में, तो कभी भी आप तुरंत पानी का इस्तेमाल ना करें, तुरंत पानी का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि अभी जो है मट्टी में ये मिक्स हो जा रहा है। तो इससे फिर हम अब इसमें सुबह जो है पानी डालेंगे, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से नीचे मट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी उसको, और उसके बाद रूट्स में चली चला जाएगा और रूट्स जो है उसको प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, वरना यदि आप चाहें तो होम मेड फर्टिलाइजर जो है वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देख, इस कप में मैंने बनाना पील फर्टिलाइजर बनाया हुआ है, जो कि बनाना पील फर्टिलाइजर जो है बहुत ही अच्छा होता है फूल वाले पेड़ों के लिए, पौधों के लिए। तो आप उसमें बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। केला जो आप यूज कर लिया आपने, तो उसके जो छिलके बचते हैं उसको पानी में भिगा के और आप उसको डाल सकते हैं पेड़ों में। आई थिंक ये सब आपके यूज में आएंगी, आप उससे काफी कुछ सीख के अपने प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए पंखुड़ी ऐप पे, जिसपे की मैं लाइव गार्डनिंग क्लास करती हूँ। मैं शतावनी श्रीवास्तव, गार्डनिंग क्लास में, बाय।